गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुडविल लर्नर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप अभी 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आ जाएगा आपका और आप अपनी 11th की तैयारी में लगो। मैं संदीप कुमार, भौतिक प्रवक्ता, आपको फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाना है। तो आप जब तक आपको बाजार में बुकें उपलब्ध नहीं होती, तब तक आप अपना हिस्सा हेल्प लेते रहें और अपनी पढ़ाई में फोकस करें। तो हमारा पहला जो चैप्टर है भौतिक विज्ञान, भौतिक की जगत बुक जो पहले वाली है उससे देखिए भौतिक की क्या होता है। भौतिक जगत जो भी आप अपने चारों ओर प्राकृतिक वस्तुएं देख रहे हैं, जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं या देख रहे हैं, जिनको आप अनुभव कर रहे हैं, जिनका जिसको आप वैज्ञानिक ढंग से उसके बारे में कुछ जानकारी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका भौतिक। प्रकृति में उपस्थित चारों ओर जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं वो सभी भौतिकी के अंतर्गत आती है। उनका जो आप अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करते हैं वो आप भौतिकी के अंदर करते हैं। तो भौतिकी विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और अपने चारों ओर आप बहुत सी घटनाएं देख रहे हैं, जैसे बिजली का चमकना आकाश में, या फिर बरसात का होना, या फिर बादलों का बनना, इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो भौतिकी के अंतर्गत ही आती है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के अंदर भौतिकी, भौतिकी वर्ड से ही स्टार्ट किया आपने कि भौतिकी क्या होता है, आप इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो शुरू में आपने बिल्कुल छोटा सा पॉइंट लिया भौतिकी। अब इसके अंदर इन प्राकृतिक घटनाओं को आप एक एक बात को ले गए, उसकी पूरी जानकारी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब द्रव्य देखिए, द्रव्य अथवा पदार्थ क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है द्रव्य अथवा पदार्थ क्या होता है। जो वस्तुएं स्थान घेरती है या जिनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं कहलाती है आपकी द्रव्य। द्रव्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा, याद रखें, ठोस, द्रव और गैस। उनके गुणों के आधार पर उनको 3 रूप में वर्गीकृत किया गया है द्रव्य को। ठोस के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे आपको। ठोस वस्तुओं का, ठोस पदार्थों का क्या गुण होता है। ठोस पदार्थों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, जो बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं, जिनके बीच अणुओं के बीच का अंतरणविक अवकाश बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है, तो ये होते हैं ठोसों की प्रकृति, उनके गुण। और जो ठोसों के अणुओं के बीच में अंतरणविक बल होता है, वो अंतरणविक बल बहुत अधिक लगा हुआ होता है, जिस कारण वे एक दूसरे से बहुत समीप, बहुत करीबी से बंधे होते हैं, ठोस की आकृति को बनाते हैं। और ठोस एक इस प्रकार का होता है कि वो अपनी आकृति को जल्दी से नहीं बदलता, उसकी आकृति निश्चित होती है। अब आप द्रव के बारे में बात करेंगे। द्रव को आप जिस बर्तन में आप रखोगे वो ऐसी आकृति ले लेगा, वो ऐसा ही रूप धारण कर लेगा, उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। अब ठोस के अणु जो होते हैं, उसके अणु के जो अंतरणविक अवकाश होता है, वो द्रव के अणु का अंतरणविक अवकाश ठोसों के अणु के अंतरणविक अवकाश से कुछ ज्यादा होता है, लेकिन जो अंतरणविक बल होता है वो कुछ कम होता है, ठोसों की अपेक्षा कुछ कम होता है, जिस कारण वे जो है थोड़ा सा फ्री रूप से गति कर सकते हैं। अब गैस का कोई आकार नहीं होता है, वो स्वतंत्र होती है। अगर आप उसको उसका कोई आकार और न ही कोई उसकी आकृति निश्चित होती है, अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे चारों ओर स्वतंत्र रूप से फैल जाएगी, बर्तन में रखोगे तो बर्तन में रहेगी। अब उसके जो अणु होते हैं, उनके अणु के जो अंतरणविक अवकाश होता है वो बहुत अधिक होता है, तीनों में, ठोस, द्रव, गैसों में, गैसों का अंतरणविक अवकाश बहुत अधिक होता है। और उसके बीच लगने वाला अंतरणविक बल, अणुओं के बीच लगने वाला अंतरणविक बल भी सबसे कम होता है, जिस कारण उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं।
तो अब हम यहां पे देखते हैं द्रव्य होगा हमारा ऊर्जा। देखिए हम जो भी चारों ओर देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में ऊर्जा ही है आपके चारों ओर। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को आप कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा आप अपने चारों ओर विभिन्न रूपों में देख रहे हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब आपके चारों ओर है ऊर्जा के विभिन्न रूप। और आपके पास ऊर्जा और द्रव्यमान में एक समीकरण आपने पहले पढ़ ली होगी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ई आपके पास ऊर्जा है जो कि एनर्जी, एम आपके पास द्रव्यमान है, और सी प्रकाश की चाल जो कि आपकी क्या कहलाती है आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहलाती है। सी आपकी प्रकाश की चाल है जो कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कहलाती है, जिसका मान है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे कि द्रव्यमान को अगर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लिया आपके पास m बराबर 1 किलोग्राम है, उसको आप ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो e बराबर mc स्क्वायर से आप यहाँ पे m का और c का अगर मान रखेंगे तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि यहाँ से 1 किलोग्राम द्रव्यमान से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे भौतिकी के अंदर इसको दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया, एक स्थूल में और एक सूक्ष्म में। स्थूल के अंदर क्या आता है, जो भी आप नंगी आंखों से देख सकते हो या जिसको आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव कर सकते हो जो कि माइक्रोस्कोप कहलाता है आपका, वो सब आप स्थूल श्रेणी में आते हैं। और एक होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनको आप नंगी आंखों से जिनका अध्ययन ज्ञान नहीं कर सकते, उनको देखने के लिए आपको किसी अन्य मशीन की आवश्यकता है, किसी अन्य डिवाइस युक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आते हैं आपके सूक्ष्म श्रेणी में। अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपके पास भौतिक विज्ञान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सबसे पहला पार्ट है आपके पास यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत आप पदार्थ पे कोई बल कार्य कर रहा है, कितना बल कार्य कर रहा है, गति के तीनों नियम, उन सब के बारे में आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऊष्मा गति की, ऊष्मा गति की में आप ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हो रहा है, कितनी ऊष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित की गई है। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी के अंदर जो प्रकाश की सभी घटनाएं आप देख रहे हैं उसका विवरण किया जाएगा। दोलन तथा तरंगे, जो आपकी तरंगे, ध्वनि तरंगे, इस प्रकार से आप इन तरंगों के दोलनों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। और फिर वैद्युत गति की, वैद्युत गति की में आप जो आप विद्युत वाला पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर ले अभी से ही। अगर आप इन सबको अच्छे से समझते हुए लेकर चलेंगे तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो आपको चाहे कितना भी ईजी सब्जेक्ट है तो वो आपको हार्ड लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप अभी से ही मेहनत करें, धीरे धीरे रोज का कार्य रोज समझते रहे, करते रहे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको नेक्स्ट जो भी कराया जाए उसको आप कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।